चल रहे रियलिटी शोज के बीच एक और शो अपना कमाल दिखा रहा है। जी टीवी पर आ रहा सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स के छोटे छोटे उस्ताद अपना कमाल दिखाने के लिए तैयार है। जजेस 15 टॉप कंटेस्टेंट को सिलेक्ट कर चुके हैं। इस हफ्ते ग्रैंड प्रीमियर होने वाला है जिसमें बहुत सारा धमाल होगा। लिटिल चैंप्स की बात करें तो इस बार कुछ लिटिल चैंप्स हैं जो शुरू से ही चर्चा में बने हुए हैं। ऐसे ही एक चैंप का नाम है जैद अली। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से जजेस को अपने पैर छूने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, चौंकिए मत, हम सही कह रहे हैं। जैद ने गाने से जजेस को बहुत इंप्रेस किया है। आपको बता दें कि जैद इससे पहले राइजिंग स्टार्स में आ चुके हैं। जैद ने यहाँ पर मौला मौला गाकर सभी को इंप्रेस कर दिया। तीनों जजेस और सभी ज्यूरी मेंबर्स भी जैद की तारीफ करते नजर आए। तीनों जजेस तो जैद के पैर छूते दिख रही हैं। वहीं एक कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिन्होंने शुरू से ही सभी का दिल जीत रखा है। ये है पंजाब के फिरोजपुर से आए 13 साल के सतीश कुमार, जिनका कद भले ही छोटा हो लेकिन जब वो अपना सुर लगाते हैं तो आसमान से भी ऊंचे जाते हैं। अपने ऑडिशन राउंड में मेरे रश की कमर गाकर सतीश ने तीनों जजेस को बहुत इम्प्रेस किया था। इस बार के एपिसोड में सारेगामापा लिटिल चैंप्स में ये नन्हे कलाकार धमाल मचाने वाले हैं। इस एपिसोड में ग्रैंड प्रीमियर होने वाला है जिसमें नन्हे कलाकार अपने सुरों के रंग बिखेरते नजर आएंगे। इस एपिसोड में लिटिल चैंप्स होली खेले रघुवीरा रंग बरसे भीगे चुनर वाले के साथ और भी होली के गाने गाते नजर आएंगे। जजेस भी इस दौरान ये बंधन तो प्यार का बंधन ही गाते नजर आए। इस ग्रैंड प्रीमियर में पूरा सेट होली के रंग में रंगा नजर आएगा। बच्चे जहां रंगों से होली खेलते दिखेंगे, वहीं जजेस फूलों से होली खेलते देखे जा रहे हैं। तभी अलका याग्निक को मस्ती चढ़ने वाली है और वो अपने को जजेस को पानी से गीला करती भी दिखाई देंगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।